नमस्कार दोस्तों, मैं संधु स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट टेक गुरुजी पर। दोस्तों, मैंने पिछली जो कहानी आपको बताई थी, जो कि एक अंग्रेज था और वो कैसे अघोरी बना, ये कहानी जो ये वाक्या है ये भी उसी की डायरी से है। ये वाक्या तब का है जब वो अघोरी बन जाता है। अघोरी बनने के बाद वो अपने जो गुरु होते हैं उनके उनसे दीक्षा लेता है और उनके साथ ही रहता है। होता क्या दोस्तों, किशन लाल नाम का एक लड़का था जो अपने माँ बाप, जो कि एक जमींदार का बेटा था और वो एक मतलब इकलौता बेटा था अपने ही माँ बाप का। होता क्या दोस्तों कि वो मस्खरा होता है, थोड़ा खेलने कूदने का शौक होता है। 18 साल का जब वो होता है तो खेल कूद के दौरान उसे एक सांप काट लेता है। सांप काटने के बाद वो जहरीला सांप था, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आपको याद है, आपको पता ही है कि जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से अगर किसी को सांप काट लेता है और अगर वो कुंवारा है तो उसको पानी में बहा दिया जाता है, उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। तो जो कृष्णलाल था उसके भी घर वालों ने यही किया, उसको पानी में बहा देते हैं। जो उसकी लाश जो होती है वो गंगा जी में बहते हुए काफ़ी दूर तक चली जाती है। और जब जो अघोरी लोग होते हैं उनको उनको साधना कंप्लीट करने के लिए एक मुर्दे की ज़रूरत होती है, जिसके ऊपर जिसके सीने पर बैठ कर 24 घंटे अपनी एक साधना है होती है, जिस क्रिया होती है, जिसको कंप्लीट करने के बाद ही कोई अघोरी बनता है। जब उसका गुरु मतलब उस नदी में से उस लाश को देखता है, वो उसको बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद उसके गुरु को पता नहीं उसके ऊपर क्या दया क्या आती है, वो कहता है कि हम इसके साथ क्रिया नहीं करेंगे, इसकी अभी लाइफ जो है, इसकी ज़िंदगी जो है वो शेष है जो इसे जीनी है। तो अपनी तंत्र शक्तियों से उस अघोरी को जिंदा कर देते हैं। जिंदा होने के बाद जब मतलब वो जो लाश होती है उसको जिंदा कर देते हैं। जिंदा होने के बाद उसकी याददाश्त जो होती है, किशनलाल की याददाश्त नहीं रहती है, वो सब कुछ भूल जाता है, वो उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, वो भी एक अघोरी बन जाता है। अघोरी बनने के बाद लगभग वो 10 से 12 साल प्रैक्टिस करता है। अघोरी बनने की प्रैक्टिस करने के बाद 10 से 12 साल बाद जब वो दीक्षा लेने कहीं जाते हैं या आस पड़ोस के कहीं उसमें जाते हैं, तो होता क्या है कि जब वो वहाँ से उनका एक अघोरी का कल्चर होता है, ये वो किसी न किसी तीर्थ स्थल पे जाते हैं जो शंकर जी का तीर्थ स्थल होता है, या तो केदारनाथ होगा, बद्रीनाथ होगा या अमरनाथ होगा। तो वो चुनता है कि मैं अमरनाथ जाऊंगा। जब वो अमरनाथ के लिए जाता है, रवाना होता है, वहाँ पे अपनी साधना करता है। साधना करने के बाद एक दिन क्या होता है कि वो फिसल के गिरता है, उसका जो सिर होता है वो वहाँ बर्फ से टकराता है, जिससे उसकी याददाश्त वापिस आ जाती है। याददाश्त वापस आने के बाद उसे पता चलता है कि उसका माँ बाप भी है, उसको अपने घर की याद आती है, वो अपने घर जाता है। घर जाने के बाद लगभग 12 से 13 साल बाद वो अपने घर वालों से मिलता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं, घर वाले भी उसे पहचान लेते हैं। घर वालों को पहचानने के बाद उसको पता चलता है कि उसका एक 5 या 6 साल का छोटा भाई भी है जो काफ़ी दिनों से बीमार है। तो वो क्या करता है कि वो जब घर में अपनी तंत्र विद्याओं से थोड़ा सा ध्यान लगाता है और देखता है कि ऐसा क्या है, तो उसे पता चलता है कि इस घर में कोई प्रेत या कोई आत्मा है जो कि उसके वंश का सर्वनाश करने के लिए किसी ने छोड़ी है, ताकि उनकी प्रॉपर्टी, क्योंकि वो जमींदार था, कि उसकी प्रॉपर्टी हथिया ली जाए। लेकिन वो अपनी तंत्र क्रियाओं से उस जो मतलब कि उनके ऊपर घर के ऊपर टोकता क्या होता है, काला जादू, उसको उल्टा कर देता है। तो जो पिशाच होता है वो उसी की जान के पीछे पड़ जाता है जिसने वो टोकता कराया होता है। तो अगले दिन पता चलता है कि उसके चाचा की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके जो पिताजी होते हैं किशनलाल के, वो अपने भाई से बहुत प्रेम करते थे। वो उनसे कहते हैं कि आप मेरे भाई को जिंदा कर दो, चाहे कैसे भी करो, कुछ भी करो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो जो किशनलाल होता है वो अपने तंत्र साधनाओं का यूज़ करता है और वो फिर से अपने चाचा को जिंदा कर देता है। उसके बाद किशनलाल कहता है कि आज से मैं इस घर में कभी नहीं आ सकता, अगर मैं आऊँगा तो ये मेरे लिए उल्टा हो जाएगा। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी का सार ये है कि क्या जो अघोरी होते हैं, क्या वो एक मुर्दा इंसान को जिंदा भी कर सकते हैं, और आत्माएं होती हैं या पिशाच होते हैं या नहीं, या ऐसा सब कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, प्लीज़ हमें कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें कमेंट करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।